तो ये मैंने नीचे की फोल्डिंग है ये यहाँ पे मैंने छोड़ दी है। यहाँ से हम लेंथ देखेंगे तो आप देखिए ये लेंथ है हमारी 39। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए इस तरह से ये 39 यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं 39 का, और इस लेंथ में हम +1 इंच जोड़ करेंगे तो ये हो गया हमारा +1 इंच, यानी 40 साइज की हम लेंथ लेंगे यहाँ तक की। आपने देखा ये है 40 साइज का पॉइंट, ये आप देख सकते हो ये है 40 साइज। तो ये मैंने 40 साइज तक यहाँ पे इसको कट कर लेना है इस फैब्रिक को। तो हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो लाइनिंग है ये देखिए ये इस तरह से इसको एक घर लगाएंगे और इसको यहाँ पे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे की फोल्डिंग अलग से रखते हुए लेंथ में +1 इंच किया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने अलग कर दिया है। अब ये 2 फोल्ड में है, अब हम इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये 4 फोल्ड में हो गया है इस तरह से। देखिए 2 फोल्ड हैं और ये 2 फोल्ड नीचे के हैं, टोटल 4 फोल्ड कर लिए हमने। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे शोल्डर्स की। हमारे शोल्डर्स हैं 14 इंच, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 इंच, 7 इंच पे हम यहाँ पे शोल्डर की ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे बोट नेक के लिए हम बोट नेक बना रहे हैं तो बोट नेक की मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ 4 इंच पे, ये हो गया 4 इंच। नेक की जो चौड़ाई लेंगे आप, यहाँ पे 4 फोल्ड में हम फोल्ड किए हुए हैं, चौड़ाई लेंगे हम नेक की नीचे से 3.5 इंच लंबाई है और 4 इंच की चौड़ाई है। बोट नेक की चौड़ाई कितनी ली हमने यहाँ पे 4 इंच की, और इसकी लेंथ कितनी ली हमने 3.5 इंच की। अब 3.5 इंच पे भी हम इसी तरह से 4 इंच का एक ड्रॉ करेंगे और इस ड्रॉ को हम इस तरह ऊपर में मिला देंगे। यहाँ पे आपको 1 इंच का एक पॉइंट लगाना होता है, ये है 1 इंच का, और यहाँ से आपको लगभग हाफ सेंटर से इसको आप इस ऐसा हाफ सेंटर में आप इसको इस तरह से मिला देंगे, ये आपका इस तरह से बोट नेक हो जाएगा। आप यहाँ चाहें तो इसकी थोड़ी सी ऐसे 1.25 इंच तक इसकी लेंथ और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस तरह से सीधा इस तरह से बोट नेक बनाना चाहें तो आप वैसे भी बना सकते हैं इस तरह की, कम शेप दे करके भी ये वाला भी आप रख सकते हैं। हल्का सा राउंड में लेना चाहें तो आप ये वाला भी रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। और अगर आप इसको 3 इंच में बनाना चाहें तो यहाँ पे आपको 3 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगाना होगा, क्योंकि आजकल ये वाला बोट नेक भी बहुत ज़्यादा चलता है। इस तरह से 3 इंच पे ऐसे पॉइंट लगाएंगे और फिर आप लगभग 1 इंच पे इसका एक पॉइंट लगा करके इसको इस तरह से आपको बनाना होगा। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि आपको नेक की जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, 3 इंच की चाहिए या 3.5 इंच की, इस हिसाब से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने 7 इंच शोल्डर लिए हैं, यहाँ से भी हम 7 इंच लेते हैं। इसके बाद में क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आर्मोल पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा, ये है हमारे आर्मोल की जो लेंथ है, तो इस साइज के अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ ये सिर्फ 6.5 इंच, और इस तरह से इसको हम ड्रॉ कर देंगे और इसको भी एक बार आप मिला दीजिए। अब इसमें चेंज क्या करना होता है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो चेस्ट की तरफ है ना, हमारी जो नेक की तरफ है नीचे या चेस्ट की तरफ है, यहाँ पे हम 1/2 इंच अंदर की ओर लेंगे। तो ये 1/2 इंच अंदर की ओर हो गया है और इस पॉइंट को अब हम इस पॉइंट में इस तरह मिलाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप बोट नेक बनाते हो, कॉलर वाला नेक बनाते हो, तो इस तरह से आपको बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे हम इसको राउंड शेप हल्का सा लगा देते हैं। तो ये मैंने इसको हाथ से राउंड शेप लगा दिया है हमारे अरमोल का, ये हमारा हो गया आगे का, और इसको हम थोड़ा सा बाहर की ओर लेते हुए इस तरह से लेंगे और इस तरह से हल्का सा ये हो गया बेक साइड का। तो ये हमारे आगे का राउंड शेप है, ये हमारे बेक साइड का राउंड शेप है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का सा शेप लगाएंगे
आप देख सकते हो शोल्डर पॉइंट से और आर्म होल के साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेस्ट की ड्राइंग करेंगे। चेस्ट है यहाँ पे हमारा 34, 34 का फोर पार्ट होता है 8.5 इंच, और ये चुके हैं बॉडी मेजरमेंट। यहाँ पे हम लेंगे 9 इंच फिक्स, हमारा जो क्या लेंगे हम मेजरमेंट 9 इंच पे। इसको मैंने 2 इंच आप प्लस कर ले, चाहे फोर फोल्ड में है तो 1/2 इंच प्लस कर ले चेस्ट की ड्राइंग करते इसमें, एक ही बात है। यहाँ पे हमारा मार्जिन रहता है 1.5 इंच, यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और है हमारे पास में, जिसमें फोर फोल्ड में हमने इसको कर लिया है, जो हमारा कपड़े का पहना होता है उसी को हमने। अब हम कमर की ड्रॉ करेंगे। कमर की ड्रॉ कहाँ पे होती है, देखिए ऊपर शोल्डर पॉइंट से, ये शोल्डर पॉइंट्स है, यहाँ से हम नीचे 14 इंच पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से 14 इंच नीचे मैं एक पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ पे हम कमर की ड्रॉ करेंगे। कमर है यहाँ पे 29, कमर में हम प्लस 2 करेंगे तो ये हो गया 31, 31 का फोर्थ पार्ट हो गया 1.5 इंच। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1.5 इंच का पॉइंट है और यहाँ पे मैं इसको पॉइंट लगा रही हूँ, ये हो गया मेरे 1.5 इंच का पॉइंट यानी कमर का पॉइंट। अब इसके बाद हम 22 इंच पे या फिर 21 इंच पे, तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 22, आप देख सकते हो ये है 22 शोल्डर पॉइंट से नीचे, जहाँ पर भी हमारे 22 का पॉइंट आता है वहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं। तो ये मैंने 22 पे एक पॉइंट लगा दिया है, इसको आप थोड़ा सा इस तरह से देखें, ये हो गया 22 का। यहाँ पे हमारे हिप्स होते हैं तो हिप्स पे मैं पॉइंट लगाऊंगी 9 इंच का, हिप्स है यहाँ पे 36 तो ये हो गया 9 इंच का। हिप्स के अंदर कुछ भी हम प्लस नहीं करते हैं, जो भी हिप्स का मेजरमेंट है उसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। तो ये हो गया हिप्स का, ये हो गया कमर का और ये हो गया चेस्ट का, तीनों पॉइंट्स हमें इस तरह से मिला देने हैं। बहुत सरल और सिंपल में हम कुर्ते की कटिंग करें बोट नेक की, और साथ में इसकी मैं स्टिचिंग भी बताऊंगी आपको, जो कि बहुत ही आसान होगी और बहुत सिंपल में आप बोट नेक की जो कुर्ती आप अपने घर पे बना सकते हो। अगर आप कॉलर वाली बनाते हो तो इसी तरह से बराबर मेजरमेंट लेते हैं, अगर आप इसके अंदर और नॉर्मली नेक बनाते हो तो इसमें थोड़ा सा जो हमारी शोल्डर है वो चेंज हो जाते हैं। या फिर 1.5 इंच का पॉइंट लगाया है और इस तरह से इसके पॉइंट्स को हम इस 1.5 इंच के पॉइंट में मिलाएंगे और ऊपर वाले चेस्ट पॉइंट में मिला देंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसकी ड्रॉ कर ली है, लेंथ आपको पता ही है, यहां तक हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर नीचे के जो चारों पार्ट्स हमारे बिल्कुल बराबर रहेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपनी नेकलाइन, ये जो हमने 3.5 इंच की नेकलाइन ड्रॉ की हुई है इसको हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं आगे और पीछे दोनों साइड के एक ही नेक की यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेक लाइन को कटिंग कर दिया है, बोट नेक को, और शोल्डर पॉइंट्स को भी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से जब हम कटिंग करेंगे तो जो हमारे बैक साइड के आर्म होल हैं वो कटिंग करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ दो पार्ट्स में हम आगे की आर्म होल कटिंग करेंगे, ये जो आगे वाला है सिर्फ दो पॉइंट्स में कटिंग करेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हम इस तरह से कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से ये कट हो गए हैं, यहाँ पे एक कट लगाना बहुत जरूरी है, ये हो गया है, यहाँ पे हमारा कमर का पॉइंट का कट लगा देते हैं और यहाँ पे हमारे हिप्स के पॉइंट का, चारों पार्ट्स में मैंने कट लगा दिए, ठीक है। अब हम एक पार्ट्स निकाल लेते हैं बीच का और एक पार्ट्स पे हम आगे की आर्म होल कटिंग करते हैं। बीच के एक पार्ट्स को हम निकाल देते हैं और फिर यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम आगे का जो शेप है वो कटिंग कर लेते हैं। अब हमें इसको इस तरह से कट करना है। तो ये मैंने आगे का शेप भी कटिंग कर दिया है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, फिटिंग का पॉइंट, कमर का पॉइंट और हिप्स का पॉइंट, और नीचे है हमारा फोल्डिंग का पॉइंट, ये भी बहुत जरूरी है, जो हमने नीचे फोल्डिंग रखा हुआ है वहां पे हम इस तरह से कट लगा देते हैं। तो ये हमारे नीचे की फोल्डिंग का पॉइंट हो गया है। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम इसको हम इस तरह से फोर फोल्ड में फोल्ड करेंगे
और जबकि हमें फोर फोल्ड नहीं चाहिए इतना, तो हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। जितनी हमें आरमोल की चौड़ाई चाहिए उस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको इतना ही फोल्ड किया है। ये आप ये नीचे की फोल्डिंग के लिए छोड़ देते हैं, तो ये मैंने 1 इंच के लगभग छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मुझे बाजू की लेंथ चाहिए 17 इंचेस तैयार, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 17 प्लस हाफ ले रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है लेंथ का, और ये लेंथ का जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हम 2.5 इंच की एक पॉइंट लगाएंगे, और इसके नीचे हम 3 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे हम आर्मोल देखेंगे। आर्मोल कैसे देखे जाते हैं? आर्मोल आप इस तरह से आपकी जो कुर्ती है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये आर्मोल है, आप इसको यहाँ पे रखें शोल्डर पॉइंट्स में, जैसे ये हमारे है ना, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका 8.5 इंच का मेजरमेंट आता है टोटल। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे? 8.5 टोटल लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो फोल्ड है ना, ये मैंने फोल्ड किया हुआ है, ये पूरा 8.5 इंच का ही है यहाँ। तो ये हो गया है 8.5 टोटल, और इसको हम इस पॉइंट्स में मिलाएंगे जैसे कि हम नॉर्मली बाजू की कटिंग में मिलाते हैं ठीक इसी तरह से, और इस तरह से इसको हम राउंड शेप लगा देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी गोलाई लगा दी है, और इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से लेकर के, और ये हमने यहाँ पे इसको 8.5 के पॉइंट में मिला दिया है ठीक है। और ये जो लाइन है ये हमारे आरमोल की लाइन है ठीक है। अब जो हमारी होगी लास्ट की, यहाँ पे हम बॉटम्स पे पॉइंट लगाएंगे। बॉटम्स होगी यहाँ पे हमारी 4.5, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 4.5 का एक पॉइंट लगा दिया है, और अब हम यहाँ पे लगाएंगे हम 7 इंच पे पॉइंट, और इस 7 इंच को हम इस तरह से बॉटम्स में मिला देंगे। तो यहाँ पे ये हमारी बाजू की फिटिंग की लाइन हो गई है, और ये जो 1.5 इंच का हमने किया है, यहाँ से हम 1.5 इंच का पॉइंट लगा करके और इस पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे। तो अब आप देख सकते हो ये हमारी बाजू की यहाँ पे ड्राइंग हो गई। आप देख सकते हो इसको, आप अच्छे तरह से देखिए ठीक है। अब यहाँ पे हम लगभग 1.25 इंच का एक पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे बैक साइड का राउंड शेप है। तो ये मैंने 1.25 इंच का एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, और इस पे यहाँ पे हम पत्ती नुमा इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, और इस पॉइंट को हमें इस फिटिंग पॉइंट तक ही मिलाना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम नीचे से इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से, और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स उसके हम यहाँ पे कट करके इसको अलग कर देंगे। तो ये अभी आप देख सकते हैं ये हमारे बाजू का आगे का 2 पार्ट्स लेंगे हम, 2 पार्ट्स नीचे छोड़ देंगे, और ये जो राउंड शेप जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है इसको आप अच्छी तरह से देखिए, ये हमारे आगे का सेप पॉइंट है, और इसको हम यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। 2 पार्ट्स लेंगे और हम इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमने यहाँ पे आगे की साइड में 2 पार्ट्स को कटिंग कर दिया है, और हमारी बाजू की जो कटिंग है वो परफेक्टली तैयार है। तो इस तरह से हमने अपनी बाजू की कटिंग कर ली है। यहाँ पे हम कट का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे भी हम फिटिंग पॉइंट पे भी कट का निशान लगाएंगे। अब देखिए मैं आपको सूट के अंदर इसका मेजरमेंट बताती हूँ। तो देखिए सूट और बाजू का, ये हमारे सूट का पार्ट्स है और ये हमारे बाजू का पार्ट्स है। ये ऊपर का ऑफ साइड है, ये हमारे शोल्डर का साइड है। अब इस तरह से शोल्डर को हम यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल बराबर में, और इसका आप इस तरह से मेजरमेंट देखेंगे। ये देखिए फिटिंग पॉइंट को इस तरह से टच करना चाहिए, ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से हमारी बाजू यहाँ पे अटैच होनी चाहिए बिल्कुल, जो ओके आपका यहाँ पे मेजरमेंट आना चाहिए इस तरह से, बिल्कुल सही आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से आप कटिंग करें, स्टिचिंग करें।